ओम शांति। आज की शिक्षा प्रद कहानी का शीर्षक है समस्या मुक्त बने। कहते हैं एक व्यक्ति था बहुत समस्याओं से घिरा हुआ और समस्याओं को लेकर रोता रहता था, परेशान होता था। एक बार एक धर्म गुरु से मिलने गया और धर्म गुरु को जाकर के कहा कि मैं समस्याओं से बहुत परेशान हो गया हूँ, आप मुझे कोई ऐसा स्थान बताएं जहाँ कोई समस्या न हो, मैं कैसे इनसे पार हो सकता हूँ। तो धर्म गुरु ने कहा, हाँ एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी प्रकार की समस्या नहीं, लोग भी हैं, उसके बावजूद भी कोई कष्ट नहीं। तो व्यक्ति सोच करके सुन करके बहुत खुश हो गया और कहा कि मुझे जल्दी ऐसी जगह पर लेके चलो। तो धर्म गुरु उनको कब्रिस्तान में लेके गए और कहा, देखो यहाँ कितने लोग सोए पड़े हैं, इनके पास कोई समस्या नहीं, कोई कष्ट नहीं। तो व्यक्ति देखता रह गया। तब धर्म गुरु ने उनको कहा, देखो भैया जीवन है तो समस्या तो होगी ही, हमें उन समस्याओं से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, सामना करना है, हमें रास्ता ढूंढना है, समाधान को ढूंढना है। समस्या को लेकर के दुखी होना, रोना, वो तो ठीक नहीं है। तब उस व्यक्ति को कुछ कुछ बातें धर्म गुरु की समझ में आने लगी। कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि जीवन के अंदर समस्याएं तो बहुत हैं। एक समस्या का समाधान करने जाते हैं तो इस दुनिया में कई समस्याएं पहले से उस क्यू में खड़ी है, क्योंकि दुनिया ही पूरी समस्याओं से भरी हुई है। परंतु अगर हम समस्या का समाधान ढूंढते हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। परंतु हाँ, उसके लिए हमें आध्यात्मिक संघ की जरूरत है। अगर हम आध्यात्मिक संघ को साथ में रखते हैं तो हमें हर समस्या का समाधान सहज प्राप्त होता है, मार्गदर्शन मिलता है, हम आगे बढ़ सकते हैं, समस्या से सीख सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। ओम शांति।